तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम आ रखे हैं आरू को लेकर डॉक्टर के पास, क्योंकि आरू को ना आ रहा है बहुत तेज़ फीवर। रात को ही हुआ अचानक से, वॉइस को इतना तेज़ फीवर। फिर इसका टेस्ट भी छूट गया, आज जो है टेस्ट भी छोड़ दिया। सोनू को मैंने स्कूल भेजा और उसके बाद जो है आरू को सीधा फटाफट से हॉस्पिटल लेके आई। पूरी रात बराज में पट्टियाँ ही करते रही ठंडे पानी की, इतना तेज़ फीवर था। कहाँ गए तुम दोनों हैं? इसको रखना, इस पर्चे को इसके अंदर। अब हम एक ब्रेड लेंगे और आप चलेंगे घर, ठीक है? दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की जो शुरुआत है वो तो मॉर्निंग में हो ही गई थी, और आप लोग बोल रहे होंगे कि आज किसने ब्लॉग की शुरुआत ऐसे क्यों करी हॉस्पिटल से ना। कल रात को क्या हुआ कि आरब खेल के आया शाम को, और हमारे यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना इस टाइम पर गर्मी का 43 से 44 के बीच में हो रहा है, और बच्चों के स्कूल भी अभी कंटिन्यू है। तो रात को उसको इतना तेज़ फीवर आया कि मैं सारी रात जो है गर्म पानी की ठंडे पानी की पट्टियाँ करती रही। और आज उसका टेस्ट भी था, तो मैंने मैम को बोला था कि मैं थोड़ा सा लाऊंगी उसको अपने साथ ही टेस्ट दिलवा के और लेके चली जाऊंगी डॉक्टर पे। लेकिन जैसे ही सुबह जो है मतलब 4 बजे तक मैं उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ करती रही, फिर वो थोड़ा सा सोया। और सुबह जैसे मैं सोच रही थी कि अब ले जाऊँ उसे स्कूल थोड़ा सा अपने साथ ही, तब तक उसको लूज मोशन भी हो गए, और लूज मोशन इतने ज़्यादा हो रहे थे कि कंट्रोल में नहीं हो रहे थे। तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, और बच्चे जो है पानी पूनी पीने में भी थोड़ा बहुत कतराते हैं, कम पीते हैं। जैसे ग्लूकोज वगैरह का पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, सोना तो पी भी लेती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं पीता। और हम फटाफट से फिर हॉस्पिटल ही गए, हमने जो है स्कूल भी नहीं ले जाया। मैंने तो कोई बात नहीं, यूटी है, यूटी में तो चल जाता है, फिर अभी छोटी क्लास में है तो इतना दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हेल्थ है। तो फिर मैं उसको लेकर आई थी और नानी के घर पर ही मैंने उसको रखा हुआ, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ठंडा है, यहाँ पर हमारे ऊपर वाले फ्लोर में गर्म है। तो बस अभी मैं घर आई थी और जो है मैं उसके लिए ब्रेड लेकर जाती हूँ। और ये भी बोल रखा है डॉक्टर ने कि मतलब उसको ना हैवी चीज़ नहीं खिलानी, जैसे रोटी वगैरह। तो सुबह उसने थोड़ा खिचड़ी खाई, अब मैं उसके लिए ब्रेड लेकर जाती हूँ, दवाई खिलाती हूँ उसको। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी अभी हम जैसे लेट रखे थे तो एक पार्सल रिसीव हुआ है हमें कंपनी से। इधर दिखा, किसका? तो दोस्तों मौसम देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है ना कि बस अब भयंकर बारिश होगी और बढ़िया ढंग से ठंडा ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से बस मौसम का यही हाल हो रहा है। डेली आंधी तूफान आती है और जो है उसके बाद जो है धूप आ जाती है। तो मैंने ना ये जो साइड वाला मनी प्लांट है ना, ये यहाँ जो फैला था इसकी एक बेल जा रखी थी, ये आधे में से ना सूख गया था, तो मैंने इसको ना काट दिया और इस तरीके से जो है 2-3 नए गमलों में लगा दिया। और ये बीच वाला देख रहे हो आप जो हरा वाला था ना, ये तो खैर मैंने नया लगाया, जो अभी दिख रहा है यहाँ पर, ये उसमें से काट के इसमें लगाया। और जो ये बीच में है ये हरा वाला ना, ये मैंने पिछली बरसात का लगा रखा, तो ये आजकल जो है अच्छे से हरे हरे हो रहे इसके पत्ते। इसके भी पहले वैसे ही थे, जो ये दूसरा पीला दिख रहा ना, तो उसमें से मैंने 2-3 काट के एक यहाँ पे लगाया, एक वहाँ पे लगा दिया मंदिर के बगल में। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से होते हैं, ये ग्रो होते भी है नहीं होते पता चल रहा, मैंने पूरा ही काट दिया। ये देखो दोस्तों आरू की, वो क्या बोलते हैं इसका नाम भूल गई, सिर की ऊपर करा रही हाथ, ये पंखे से भी तेज चल रही भाई, पंखे को बर्बाद कर रही है। किस किस किसने बनाई बचपन में ऐसी, जरूर बताना। अगर मेरे को रोग नहीं है ना, ओ है हाँ, सिदर है, कैसी है आज आरू को ये बनाने को मन करा। ओ भयंकर, ओ भयंकर, ओ भयंकर, ओ भयंकर। अब पता क्यों नहीं घूम रही वो ज्यादा, वो ढीली हो गई होगी बीच में से, दिखा। अब मैंने कैसे सिखाया उसे टाइट करना, पहले इधर को मोड़ो से, पहले इधर को, हाँ ऐसे, अब खींचो धीरे धीरे करके सारे, अब हुआ टाइट, हुआ खिसक रहे, खिसक रहे, हाँ हो गया टाइट। उसके बीच में ना वो छेद नहीं दिखना चाहिए, बस अब चलो ऊपर, चलो खड़े उठो, खड़े उठो, वेरी गुड।
देखा कितना मस्त टॉय है, कैसी लगी? कैसी लगी दिखा? सही है मम्मा। बुक्कू 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 कैसी है बुक्कू? एक सेकंड में आरुष आरुष शक्तिमान बन गए। सही तो है। छोटी उंगली पे रख, छोटी उंगली पे। अरे शक्तिमान देखो मैं छोटी पे नहीं घूम रही ना। और भगवान पे क्या रहता अपना? बड़ी सुदर्शन चक्र, बड़ी वाली उंगली पे रख। बड़ी वाली इस पर रहता है? इस पर रहता है, इस पे, इस वाली पे। देखो ओ आरू का सुदर्शन चक्र। भगवान तो भगवान जी है। सही तो अब डंडी लेने की जरूरत नहीं है। अब तू बाहर को जाना। हाँ। और अपनी उंगली पे ऐसे, और लोग सोचेंगे ये आरू के पास कौन सा जादू है भाई। लोग सोचेंगे मेरा बिजली है। वही तो। ओ बैंग, देखा तूने ऐसा खिलौना कभी? देखा देखा ऐसे खिलौना तो पैसे में भी नहीं मिलता। ये देख मेरे पंखे से भी तेज चल रहा। अब ऐसे करेंगे ना जैसे तुझे गर्मी लगेगी स्कूल में। पास पास ज्यादा ऊपर नहीं जाते, उतर जा। जैसे तुझे गर्मी लगेगी स्कूल में तो दोनों उंगलियों पे ये पकड़ देना।